रेत माफियों का दिन ब दिन आतंक बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते नदी नालों से रेत का खनन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। एक तरफ केंद्र की ओर से राज्य की सरकार मिलकर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गोंदिया जिले के सड़क अर्जुनी तहसील के तहत आने वाले रेती घाटों पर बड़े पैमाने पर रेत का खनन किया जा रहा है, जिसके चलते रेत माफिया बड़े पैमाने पर रेती की तस्करी करते नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं रेत माफिया पर हमारी खास खबर। मैडम नमस्कार। नमस्कार, निशांत भाई बोल रहा था एमएनएस न्यूज से। कहाँ से? एमएनएस न्यूज से बोल रहा हूँ, नागपुर से। हाँ, मैडम आपके यहाँ एक चुलबन नदी पर रेती घाट है। हाँ। जो कोई गोंदिया के मजूकर कोई किसी के नाम से दिया गया। हाँ। मैडम जरूरत से ज्यादा 30 तारीख तक के उनको, 30-9 तक के उनकी लिमिट है उनके। हाँ। घाट की जरूरत से। हाँ। ज्यादा रेती निकाल रहे, उसमें क्या कहना है आपका? नहीं, अभी तो आज तो उसको बंद करने के लिए बोला है, आज तो लेटर आया है कि घाट की मुदत खत्म हो गई, बंद कर दो। नहीं, उसको 30-9 तक के दिया गया है मैडम। अभी तो पानी है ना, पानी है नदी में, अभी तो नदी से रेती नदी में निकालनी, नदी में, नदी के ऊपर जहाँ उसने घाट जो जिस एरिया में उसको रेती निकालने की परमिशन है वहां से उसने रेती नहीं निकाला, उसके अपोजिट साइड यानी पुलिया के राइट साइड में उसने डंप करके रखा है। लगभग उसने 2000 ब्रास रेती डंप करके रखी हुई है। ठीक है, आपका एक राइटिंग में दे दीजिए ना कंप्लेंट। चलिए मैं राइटिंग में तो आपको मैडम आप राइटिंग में कंप्लेंट दे दीजिए और बाकी हम लोग मैडम अभी करना है, हम तो कर लेंगे। आप तो कंप्लेंट भी दे दीजिए ना। नहीं नहीं, आप तो अपना काम करोगे ही, मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। एक्चुअली हमारी टीम उस जगह जाकर आई है, पूरी जगह का मुआयना की हुई है वीडियो विजुअली। अभी आपका ये जो ये फोन भी जो है अभी हमने न्यूज रूम से ही लगाया है आपको कि भाई आपने बात है तो आपने अभी बात नहीं। आप एक कंप्लेंट भी दे दीजिए, हम लोग तो हमें जो करना है हम करेंगे। मैंने आज ही उसको बोला है कि ये घाट तो अभी मुदत खत्म हो गई है, आपका चालू है क्या? मैंने पूछा भी, तलाटी से भी पूछा है। नहीं, लेकिन 2000 ब्रास उसने निकाल के रखा है मैडम। आप अगर स्पॉट पर जाकर देख लीजिए, वो ये कर लेंगे। आप स्पॉट पे भी देख लीजिए ना, मतलब थोड़ा डिटेल में जाने के लिए अच्छा रहता हमको। ठीक है ना, तो मैं आपको एक कंप्लेंट हमारे चैनल के तरफ से भी भिजवाता हूँ। लेकिन 2000 ब्रास जो है वो आप उसको जब्त करेंगे कि नहीं करेंगे? 10000 निकाला होगा ना, जितना भी होगा तो वो तो जब्त करना ही पड़ेगा ना। अच्छा, जितना भी निकाला हो, अभी मुदत खत्म हो गई है और उसके पास कोई परमिशन नहीं हो तो जब्त ही होगा। लेकिन उसको रॉयल्टी तो उसके पास 30-9 तक के है ना। अभी तो मेरे को माइनिंग का लेटर आया है कि खत्म हो गई करके। अच्छा, बाकी अभी उसका वर्क ऑर्डर नहीं देख पाई अभी। अच्छा, ठीक है, चलिए ठीक। गोंदिया जिले के सड़क अर्जुनी तहसील के तहत आने वाले सौंदड़ के पास लगभग पिपरी करके यह गांव है, जिस जगह हम अभी मौजूद हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो एक पुलिया है, यह पुल का निर्माण किया हुआ है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। और यह चुलबन नदी का जो आप ब्रिज देख रहे हैं, और उसी ये चुलबन नदी का पात्र है। इस पात्र में लगभग पिपरी करके गांव में एक रेती का घाट दिया गया है, यह लीलाव किया गया है घाट। और इस घाट की सारी प्रक्रियाएं जो है वह टेंडरिंग हो चुकी है। लेकिन मज़े की बात इस जगह यह देखने में आई है कि जिस मात्रा में यहाँ से रेती निकाली गई है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, जो रेती निकालने का जिस बड़े पैमाने पर निकाला है, लगभग यहाँ 200 ब्रास अगर रेती निकालने की रॉयल्टी यानी गवर्नमेंट ने उन्हें परमिशन दी थी, लगभग यहाँ 800 से 900 ब्रास रेती निकाली गई है। और जैसा कि आपने पहले देखा है कि हमने आपको वीडियो में दिखाया है कि सामने जो रेती को डंप करके रखा गया है, लगभग वह भी आज कम से कम 20 से 22 लाख रुपए की रेती रखी गई है। और इस घाट की जो अंतिम तारीख है वो शायद इसी महीने की, जुलाई महीने की ही। जैसा कि यह रेती घाट का जो लीलाव हुआ है वो, और उसकी जो मुदत बढ़ाई गई थी वो सितंबर माह तक के रखी गई है। और सितंबर माह तक के
जो सामने आपने देखी है रेती, लगभग यहाँ से जितनी उसको गवर्नमेंट ने इजाज़त दी हुई है उससे ज़्यादा की रेती इन्होंने निकाली हुई है। जैसा देखने में आ रहा है कि यहाँ का जो तहसील विभाग का जो प्रशासन है वो काफ़ी सुस्त प्रशासन देखने में आ रहा है। जब इतने बड़े पैमाने पर यहाँ के ठेकेदार ने जो लीलाव जिसने लिया था उसने रेती निकाली हुई है, फिर भी वो लोग इस जगह आकर देखना तक के पसंद नहीं कर रहे। और जब हम इस जगह पहुँचे, आज जैसे हम लोग यहाँ पहुँचे, तो यहाँ का जो जिसका लीलाव है, जो लीलाव जिसका मालक है, जो जिसने घाट लिया हुआ था टेंडर में, वह भी गायब है और उसका जो यहाँ जो दीवानजी रखा जाता है वो भी गायब है। और लगभग यहाँ यानी जब हम उनको पता चला कि हम यहाँ पहुँच रहे, तो आज उन्होंने ट्रैक्टर से जो रेती निकालने का काम है, जो अदर जिनको भी घर के कामों में जहाँ भी रेती लगती है उन लोगों को रेती देने का आज काम उन्होंने बंद रखा हुआ है। जैसा कि आपने देखा है कि कल तक के, कल एक रॉयल्टी जो थी हमने अभी आपको वीडियो में दिखाया है कि जो रॉयल्टी थी कल की, उस रॉयल्टी के बाद आज इस जगह कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। जैसा कि इस जगह बड़े पैमाने पर रेती की चोरी की जा रही है और यहाँ से यह करोड़ों रुपए का राजस्व जो होता है, करोड़ों रुपए का जो सरकार को मिलने वाला जो पैसा है वह डुबाया जा रहा है। मैं निशांत भाई, कैमरामैन नीलेश पसीने के साथ। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे एपी पेज लाइक कर सकते हैं और उस पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरें देख सकते हैं और यूट्यूब पर हमारे चैनल को देखें और सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।